कल रात 8:30 बजे से करीब करीब पक्का इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे डीटीएफ टीम वाले और दुलपे टीम वाले हमारे डीटीएफ और दुलपे टीम वाले दंती मंदिर दंती माता मंदिर के पास आसपास वी कुड एप्रिहेंड एन अफ्रीकन एंड संदीप बोल के अपना इंडियन संदीप ये अफ्रीकन के साथ खरीदने गया था कोकेन एंड आफ्टर दैट द अफ्रीकन गेव फर्दर इन्फॉर्मेशन टॉकिंग सेइंग दैट ही इज़ गिविंग मोर मटेरियल टू वन मोर पर्सन कॉल्ड यज्ञानंद। यज्ञानंद एपी प्रोडक्ट्स का मालिक है और एक टीम वहाँ गया और उसको भी अप्रेहेंड किया इनोवा कार का एंड इनोवा कार में यज्ञानंद का ड्राइवर और उसके साथ उसके पास 11 ग्राम्स ऑफ कोकेन मिला था। सो पहले मरतफ़ा जब संदीप पकड़ा गया वहाँ पे 7 ग्राम्स 7 ग्राम मिला था और उसके बाद यज्ञानंद के कार में 11 ग्राम्स मिला था। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अफ्रीकन को थोड़ा पूछे तो उन्होंने अपना घर का पता सन सिटी में बताया था। सन सिटी में जाके वहाँ सर्च किए तो उसके किचन में वी कुड गेट अनदर 38 ग्राम्स और कैश रिकवरी हुई थी। पूरा मिला के 3 लोग अरेस्ट हुए एंड 56 ग्राम्स ऑफ कोकेन एंड 128,000 कैश मरामद हुई पूरा ऑपरेशन। पूरे ऑपरेशन में आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हैदराबाद टीम एंड द एंटायर दुलपे टीम इन दिस ऑपरेशन। थैंक यू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? गाना गाना कंट्री का अफ्रीका में गाना कंट्री कितने साल से यहाँ पे मुकाम बना के रहे हैं? 2019 से यहाँ पे रहे वैलिड वीसा पे। वैलिड वीसा पे। एंड ये जो इनोवा कार सीज करे ड्राइवर के साथ वो किसके लिए परचेस कर रहे थे? और वो परचेस करा था यज्ञानंद बोल के। यज्ञानंद इज द ओनर ऑफ एपी प्रोडक्ट्स एक मसाला कंपनी है। वो ऑलरेडी प्रीवियस अक्यूज है जेल जा चुका है। टू सेम थाउजेंड केस में अक्यूज है सर। हाँ कोकेन केस में अक्यूज है। 2022 जनवरी में हुआ था सर। अभी जनवरी मामोनर को संबोधन यज्ञानंद को स्टेटमेंट किया सर।